Welcome back, friends, to our channel, that is Chemistry with Shipra Rakhade. Okay, today we are going to see oxoacids of sulphur. Pichle class mein humne baat ki thi about oxoacids of phosphorus. Now we are coming back to the next topic, that is oxoacids of sulphur. Oxoacids of sulphur mein hum pehle enlist karenge ki humko kya kya padhna hai. Sulfuric acid, which is also a king of chemical. Okay. That is H2SO4, king of chemicals, sulfurous acid, peroxysulfuric acid, which is also known as Caro's acid, pyrosulfuric acid, that is oleum, pyrosulfurous acid, diethionic acid, diethanous acid, peroxo disulfuric acid, thiosulfuric acid, and thiosulfurous acid. This peroxo disulfuric acid is also known as Marshall's acid. Yeh aaj humko ये सारे जो केमिकल्स हैं इनको हम कैसे याद करेंगे, ये जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है इनको हम इजीली बिना कुछ झंझट के, बिना कुछ ऐसे कैसे हम याद कर सकते हैं. जैसे हमने फास्फोरस में देखा वैसे ही सेम हम सब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देखने वाले हैं. आइए देखते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, वेन वी रिमूव वन ऑक्सीजन आइटम फ्रॉम दिस सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट सल्फ्यूरस एसिड. It is same as we have learnt before in phosphorus. Okay, if we add one oxygen atom we get H2SO5. Okay, H2SO5, this H2SO5 is also called as peroxysulfuric acid. The peroxysulfuric acid ke naam se aapko koi nahi puchne wala question, aapko puchhenge ki what is Caro's acid. Okay, if you want to know what is Caro's acid, you have to remember that H2SO4, we have to add in H2SO4 one oxygen atom, so we get H2SO5. Okay, then next again we have to take two moles of H2SO4 and remove water molecule, we get H2S2O7. This H2S2O7 is called as pyrose acid. Ye jo pyrose acid hai, pyrose sulfuric acid hai, it is also called as oleum. Aapko pata hai H2SO4 jo hai, agar humko industrially manufacture karna hai H2SO4 के लिए, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज, कुछ याद आया? नहीं, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. आपको ये तीनों जो प्रोसेसेस है, दैट इज एक तो H2SO4 विच इज किंग ऑफ केमिकल्स, देन अमोनिया, ठीक है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एबर्स प्रोसेस एंड HNO3 Oswald's process. Okay, तो ये तीनों प्रोसेस आपको रिमेम्बर होनी चाहिए जब आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं. ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन H2SO4 के अगर हमने टू मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव किया, यू गेट H2S2O7 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम. क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ओलियम के ऊपर कि वॉट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब हमने बोला कि H2SO4 जो है मैन्युफैक्चर करना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो एंड प्रोडक्ट जो है H2SO4 होना चाहिए, बट नो, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज ओलियम, दैट इज H2S2O7, एंड वी हैव टू डाइल्यूट द सोल्यूशन एंड आफ्टर वर्ड वी गेट टू मोल्स ऑफ और सर्टन मोल्स ऑफ H2SO4. तो ये बात ध्यान में रखिए कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज ऑलवेज ओलियम एंड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, कमिंग बैक, ये जो ओलियम है इसमें से हमने दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, वी गेट H2S2O5 विच इज कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरस एसिड. अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल जब हमने निकाला ऑक्सीजन का, एक एटम जब निकाला तो हमको सल्फ्यूरिक से रस मिल रहा था, बट यहाँ से हमको एक्सेप्शन थोड़ा सा शुरू हो रहा है कि इस केस में क्या है कि ओलियम में हमको दो एटम ऑफ ऑक्सीजन रिमूव करना है, देन यू विल गेट पायरोसल्फ्यूरस एसिड. ओके, कमिंग बैक अगेन, यू हैव टू टेक टू मोल्स ऑफ H2SO4 एंड नाउ अभी तक हमने कभी भी H2 मॉलिक्यूल जो है निकाला नहीं है. अगर मैंने अभी H2SO4 में से 2 मोल्स ऑफ और 2 एटम्स ऑफ H2 निकाल दिया तो आई विल गेट परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव हुआ है और उसी में से मैंने 2 मोल्स ऑफ और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिए, सो आई विल गेट हियर मार्शल्स एसिड. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मार्शल एसिड और From which compound the Marshall acid is derived? So answer is H2SO4. We have to take 2 moles of H2SO4, remove H2, you will get Marshall's acid. Okay. Now coming back to
थायोसल्फ्यूरिक एसिड. थायोसल्फ्यूरिक एसिड द फॉर्मूला इज H2S2O3. अब यहाँ से आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये याद करना पड़ेगा. ओके, H2S2O3, इसमें से आपने सिंगल ऑक्सीजन निकाला तो यू विल गेट थायोसल्फ्यूरिक एसिड. नाउ वी विल सी द डायथेनोइक सीरीज. ओके, नाउ डायथायनिक सीरीज. डायथायनिक सीरीज, डायथायोनस या डायथायनिक, व्हाट इज दिस मीन? तो डायथायनिक थायो जो जब भी कभी ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज सल्फर. ओके, तो डायथायोनिक मीन्स व्हाट? इन दिस H2S2O6 मॉलिक्यूल वी हैव टू मोल्स ऑफ सल्फर एंड बिकॉज ऑफ दिस द नेम इज डिराइव दैट इज डायथायोनिक एसिड. ओके, इफ वी इंक्रीज द कंटेंट ऑफ सल्फर we get H2S3O6 which is called as trithionic acid. Again H2S4O6 tetrathionic acid. Likewise if you increase the content of sulfur you will get H2SnO6. Sn is number of moles of sulfur. Okay, likewise we will get the polythionic acid. Now in case of diathionic acid, अब diathionic मतलब क्या? तो इसका formula होता है H2S2O6. इसमें से अगर मैंने 2 moles of oxygen निकाल दिए, 2 atoms of oxygen निकाल दिए, तो I will get diathionous acid. अब मैंने पिछले बार अभी बताया थोड़ी देर पहले कि pyrosulfuric acid जो होता है उसमें से 2 moles remove करना था. अब जब मैंने pyrophosphoric acid बताया था उसमें से हमने 1 ही mole release किया था. pyrosulfuric acid में मैंने 2 moles of oxygen क्यों release किया? The answer is if I have removed one oxygen atom from pyrosulfuric acid, I will get diathionic acid. आ रहे समझ में? If I remove one oxygen atom from this pyrosulfuric acid, I will get diathionic acid. And same, if I remove one oxygen atom from pyrosulfuric acid, I get diathionous acid. And because of this, अगर हमको इन दोनों को रिलेट करना है तो रिलेट करने के लिए आई हैव टू रिमूव और वी हैव टू रिमूव 2 ऑक्सीजन एटम एंड वी विल गेट द रिस्पेक्टिव आंसर्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट अवर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके या फिर इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जहां आपको ट्रिक्स चाहिए, मेमोनिक्स चाहिए, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको हर चीज़ का यहां जवाब मिलेगा. ओके, सो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया नहीं है उन्होंने, अगर सच्ची में लग रहा है कि अच्छा है, इफेक्टिव है और आपको कुछ मदद मिल रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड फॉलो अस. ओके, thank you and we will meet again in our next lecture.